इंसान अपने लिए पीसी खरीद लेता है, लैपटॉप खरीद लेता है, लेकिन जब वो एक वायरलेस या वायर्ड माउस खरीदता है तो उसको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। भले ही आप पीसी का सेटअप 2 लाख रुपए खरीद लो, लेकिन उसके साथ में माउस जो है कंपेटेबल ना हो, या आपको गेमिंग करनी हो और गेमिंग के हिसाब से आपका माउस ना हो, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों हम भाई आप लोगों के सामने लेके आ गए हैं इंडिया में आने वाले बेस्ट 5 वायर्ड माउस, जो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, A to Z हर एक काम के लिए। और जो इन माउस की हम बात करने वाले हैं, ये 500 रुपए के बजट के अंदर अंदर आप लोगों को मिलने वाले हैं। अब भाई यहाँ पर कुछ चीजें होती है जो अपने को माउस लेते टाइम ध्यान में रखनी चाहिए, खास करके अगर हम गेमर्स हैं तो माउस में क्या होता है, DPI होती है। DPI क्या होती है, बेसिकली अपने माउस का कर्सर कितनी फास्ट मूव करता है उस चीज को DPI बोलते हैं। बाकी नॉर्मल यूज के लिए आपको DPI की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट अगर आप गेमर हो तो आपको DPI एडजस्टेबल वाले माउस की जरूरत होगी, जो कि हमने इस लिस्ट में इंक्लूड करें। तो माउस में भाई बेसिकली 2 तरीके के सेंसर होते हैं, एक तो होता है ऑप्टिकल सेंसर और एक होता है लेजर सेंसर। अगर ऑप्टिकल सेंसर की बात करें तो ये देख सकते हो दोस्तों आप, ये इसमें रेड लाइट है, तो ये ऑप्टिकल सेंसर है, मतलब इसको आपको यूज करने के लिए एक माउस पैड चाहिए होगी, जो कि हमारे पास में है। इसके अलावा दूसरा जो होता है भाई, वो होता है लेजर सेंसर, और लेजर सेंसर में आपको दिखाऊं तो वो होता है कुछ इस तरीके का माउस, मतलब वो आपको प्लेन सरफेस पे आप रख के उससे काम कर सकते हो, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस साथ में अलग से माउस पैड लेने की। अब बेसिकली भाई माउस वायर्ड भी आते हैं जैसे कि आप ये देख सकते हो, एंड इसके अलावा वायरलेस भी आते हैं जो इस तरीके के होते हैं, लेकिन जो ये वायरलेस माउस होते हैं इनमें थोड़ा सा रेस्पॉन्स टाइम कम होता है। ये वायरलेस माउस बेसिकली 2 तरीके से आते हैं, एक तो इनमें इनबिल्ट ब्लूटूथ होती है, एक इनमें आउटर कनेक्टिविटी के लिए नैनो रिसीवर होता है। तो अगर नैनो रिसीवर हो तो ज्यादा बेटर होता है, उसका रिस्पॉन्स टाइम 1 मिलीसेकंड होता है, तो आपकी गेमिंग के लिए फिर भी थोड़ा वो ठीक ठाक रहेगा, बट अगर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला है तो उसका रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा लेट होता है। बात यह है कि अगर आपको गेमिंग करनी है तो गेमिंग के लिए सबसे बेहतरीन होते हैं भाई वायर्ड माउस, क्योंकि इनका रिस्पॉन्स टाइम भी काफी बढ़िया होता है। अगर आप कोई हाई एंड ग्राफिक्स से गेम कर रहे हो तो सबसे बेस्ट आपके लिए वायर्ड माउस रहेगा। इसीलिए हमने इस लिस्ट में आपके लिए बेस्ट 5 वायर्ड माउस रखे हैं 500 रुपए के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत चौधरी, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। अब यहां पर सबसे पहला आता है भाई ज़ेब्रोनिक्स का प्रीमियम गेमिंग माउस विद 6 बटन, में 6 बटन मिलते हैं, एंड मैं भी पर्सनली ज़ेब्रोनिक्स का ही माउस एंड कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ, काफी बेहतरीन माउस होता है। 6 बटन है बेसिकली डेडिकेटेडली फॉरवर्ड के लिए, बैक के लिए और DPI एडजस्टमेंट के लिए, टोटल आपको 6 जो इसमें बटन मिलते हैं। काफी एर्गोनॉमिकली डिजाइन है, मल्टीकलर ब्रीथिंग LEDs के साथ में आपको ये माउस मिलता है। हाई रेजोल्यूशन गेमिंग ग्रेड सेंसर माउस मिलता है, इसमें आपको 3600 DPI लेवल मिलता है, ऑलमोस्ट सभी सरफेसेस पे जो है इजीली काम करता है। ऑप्टिकल सेंसर्स में मिलता है, 1 साल की वारंटी मिलती है, एंड 4.2 ग्लोबल ओवरऑल अमेजन रेटिंग है भाई इस प्रोडक्ट की। 470 आज की डेट में प्राइस है, हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं, बट वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है भाई। मैं खुद भी ज़ेब्रोनिक्स का ही माउस यूज कर रहा हूँ, और अगर आप गेमर हो तो ये माउस आपके लिए काफी बेहतरीन रहेगा, काफी लेग फ्री रहेगा। अब यहाँ पर सेकंड नंबर पे भाई हमने ज़ेब्रोनिक्स के लिया है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट आते हैं ज़ेब्रोनिक्स के। इसका नाम है ज़ेब्रोनिक्स ज़ेब ट्रांसफॉर्मर एम ऑप्टिकल USB गेमिंग माउस विद LED लाइट आपको जो है इसमें मिलती है। काफी बढ़िया प्रोडक्ट है दोस्तों ये भी। इसमें बेसिकली 7 कलर इफेक्ट आपको मिलते हैं, काफी एर्गोनोमिकली डिजाइन है, हाथ में आपके काफी अच्छे से बैठेगा। USB इंटरफेस है, ऑप्टिकल सेंसर के साथ में सभी सर्फेसिस पे मोस्टली काम करता है। 6 हाई क्वालिटी बटन मिलते हैं, 4 प्रिसाइज जो है DPI के लिए आपको डेडिकेटेड जो इसमें बटन मिलता है। काफी सिंपल प्ले एंड प्लग वाला काम है, ज्यादा इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 साल की वारंटी मिलती है दोस्तों, 450 रुपए का प्राइस है, बट अमेजन रेटिंग जो है 4.4 की है, तो मतलब काफी बेहतरीन प्रोडक्ट ये आप लोगों के लिए हो सकता है, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब 3rd नंबर पर यहाँ पर भाई आता है MFTech का गेमिंग वायर्ड माउस विद अनब्रेकेबल ABS बॉडी, मतलब टूटेगा नहीं कुछ भी कर लो। इस माउस का सरफेस इस तरीके का है कि जो स्वेटिंग फ्री रहेगा अगर आप इसको पकड़ोगे, एंड काफी इजी रहेगा इसको हैंडल करना बहुत लॉन्ग टर्म के लिए। अगर हम माउस को चलाते हैं तो हाथ काफी स्वेटी हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम आपको इस माउस में नहीं आएगी। बाकी 2000 DPI मिलती है विद 6 कीज सपोर्ट मैक्रो सेटिंग, ऑप्टिकल सेंसर ही आपको मिलता है, ABS बॉडी मिलती है जैसे कि मैंने आपको बताया, 6 महीने की वारंटी है, 1 साल की वारंटी पे नहीं है, प्राइस वही 450 है, 4.3 ग्लोबल अमेजन रेटिंग के साथ में अपने को मिलता है, एंड वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है भाई गेमर्स के लिए, अगर खास करके वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब 4th नंबर पर भाई यहाँ पर आता है ड्रैगन वॉर एमिरा का वायर्ड गेमिंग माउस, एक नंबर माउस है भाई, बहुत बेहतरीन है, गेमर्स की पहली पसंद होता है 500 रुपीज के अंदर, सबसे वन ऑफ द बेस्ट माउस इसको बोल सकते हैं, स्पेशली जो हैवी गेमर्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि भाई इसमें आपको 3200 DPI मिल जाती है, 6 बटन्स भी आपको मिलते हैं, एर्गोनॉमिक डिजाइन है फॉर प्रोफेशनल गेमर, गोल्ड प्लेटेड USB कनेक्टर मिलता है इसमें भाई, आपको ऑप्टिकल सेंसर नहीं लेजर सेंसर मिलता है, तो मतलब बहुत बढ़िया
आपके लिए रहेगा। इसके अलावा इसके जो माउस की वायर की लेंथ है वो भी 1.8 मीटर है, तो काफी लॉन्ग वायर है, वो भी फाइबर मेड वायर है, तो वायर में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक साल की वारंटी मिलती है आपको, 4.2 की ओवरऑल ग्लोबल इसकी रेटिंग है। एंड आज की डेट में भाई 424 रुपीज इसका प्राइस है, और अभी तो हालांकि सेल चल रही है तो थोड़ा बहुत और कम हो जाए शायद, और इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। अब पांचवें नंबर पर आता है भाई रेड गियर का वायर्ड गेमिंग माउस विद एलईडी। इसमें भी आपको लेजर सेंसर मिलता है भाई, लाइट वेटेड गेमिंग माउस है, एक्स्ट्रा ड्यूरेबल स्विचेस और बिल्ड क्वालिटी जो आपको मिलती है काफी बेहतरीन मिलती है। यूएसबी इंटरफेस है, एक साल की जो है कंपनी से वारंटी देती है, 4.3 अमेज़न इसकी रेटिंग है। एंड गाइस हम आप लोगों के सामने वही प्रोडक्ट लेके आते हैं जिनकी ओवरऑल ग्लोबल फीडबैक काफी अच्छी हो। प्राइस की बात करें तो 350 रुपीज के अप्रोक्स आज की डेट में इसका प्राइस हो सकता है, कम ज्यादा थोड़ा बहुत हो जाए। तो बेसिकली ये पांच माउस थे भाई, सबसे बेस्ट इनको खरीद सकते हो आप 500 रुपए के अंदर। इसके अलावा अगर आपको कीबोर्ड भी चाहिए तो सबसे बेस्ट होता है भाई कि कीबोर्ड और माउस का आप कॉम्बो ले लो, उसका भी अच्छा सा जो है मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जैसे कि मैंने भी ले रखा है ज़ेब्रोनिक्स का, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा भाई जो माउस है 600, 700, 800 रुपए के, एक दो और अच्छे अच्छे माउस जिन्हें हम कंसीडर करते हैं उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इन केस आप लोगों को चेकआउट करना हो, आपको कोई ऐसा इस तरीके का माउस लेना हो। इससे एक्सपेंसिव माउस चाहिए, अलग से आपको वायरलेस कीबोर्ड चाहिए, वायरलेस माउस कुछ भी चाहिए, उसकी हम आप लोगों के लिए डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। उसके लिए आप कमेंट करिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर दीजिए, क्योंकि भाई इस तरीके की वीडियोस आप लोगों के लिए हम लेके आते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं आप लोगों तक किसी भी प्रोडक्ट लेने से पहले उस प्रोडक्ट की संपूर्ण और सही जानकारी पहुंचाई जा सके। तो मिलते हैं दोस्तों इस तरीके की किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रशांत चौधरी।